नमस्कार, आप 10Z+ देख रहे हैं। आज 8 मई है, पूरे देश में अभी लॉकडाउन जारी है। ये लॉकडाउन 17 मई तक होगा, लेकिन इस बीच ये लॉकडाउन 3 में सरकार ने कुछ कुछ छूटे देने का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस कड़ी में अगर हम बात करें पटना की, तो पटना में बीते दिनों सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब यानी कि आज 8 मई से शहर की कुछ कुछ दुकानों को खोलने का और भी आदेश जो था वो दिया जाता है। पहले जो इसेंशियल गुड्स की दुकानें थी, सिर्फ वो खुल रही थी, लेकिन इस बीच में अब ऐसी भी दुकानें हैं कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हो गई, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें हो गई, मोबाइल शॉप की दुकानें हो गई, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हो गई, गिट्टी छर सीमेंट की दुकानें हो गई, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पार्ट्स की दुकानें हो गई, इन सब सारी तरह की चीज़ों की जो दुकान खोलने का आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ था, जिसके बाद आज 8 मई से ये सारी दुकानें खुल भी गई हैं। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑटोमोबाइल्स की दुकान खुली है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में अभी पटना का ये जो मेन लाइफलाइन कहा जाता है, ये सड़क है, ये फ्लाईओवर है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अभी देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई है, गाड़ी इस रोड पर गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं। एक कहा जा सकता है कि इस विजुअल को देखने के बाद कि लोग जो देखने के बाद वो खुश भी होंगे कि अब धीरे धीरे जिंदगी लॉकडाउन के बीच और कोरोना संक्रमण के बीच पटरी पर लौट रही है। अगर बिहार में कुल कोरोना संक्रमण मरीजों की हम बात करें, तो ये आज 8 मई की सुबह करीब 11 बजे तक जो आंकड़ा है वो 556 तक पहुंच गया है। इस बीच में जो कोरोना मरीज के जो ठीक होने का आंकड़ा है वो भी बिहार में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बाकी राज्यों के हिसाब से यहाँ पे जो कोरोना संक्रमित मरीजों के जो ठीक होने का जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये विजुअल में, अंत में मैं इस विजुअल के साथ आपको छोड़ करके जाता हूँ कि किस तरह से अब ज़िंदगी पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई, धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। नहीं नहीं आज से खुला ना, शुक्रवार कोई खबर में रहेगा। इस बीच बीते दिनों जब प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से जब बातचीत की थी, तो उन्होंने ये इशारों में यह कहा था कि लॉकडाउन के बीच में जो अर्थव्यवस्था है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, अब उसको देखते हुए भी आगे की सरकार रणनीति बनाए। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों को देखते हुए अब अलग अलग राज्य लॉकडाउन में छूट देने शुरू कर दिए हैं। बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल 10Z+ को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।